यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिवीजन लेक्चर अपना कंटिन्यू हो चुका था और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो एग्जामिनेशन के लिए। रिवीजन लेक्चर को बार बार देखो, कॉन्सेप्ट याद रहे और उससे आपका टाइम भी बचेगा। जब आप बनाने बैठोगे रिवीजन लेक्चर की वजह से, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में याद है तो फटाफट आप क्वेश्चन को रिव्यू कर सकते हो, क्वेश्चन को देख सकते हो, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को देख सकते हो, है कि नहीं। चलो पढ़ाते टाइम एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट है 2 मिनट का, जिसको जीडीपी डिक्लेटर है। ये मैंने वहां पे कवर नहीं किया था और बाद में मैंने बताया था कि अलग से मैं 2 मिनट 5 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा इस पे, जिसमें हम इसको देखेंगे। वैसे तो ये चीज पहले भी कवर्ड होनी चाहिए थी, पर पहले इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं थी, बाद में इन्होंने इंक्लूड किया, कोई बात नहीं, देखते हैं। फिलहाल दूसरी चीज, एग्जामिनेशन के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एज अ मस्ट डू लिस्ट। कल कॉस्टिंग का वीडियो डल जाएगा, कॉस्टिंग से रिलेटेड, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों एफएम का भी। जब एग्जाम के लिए वन डे बिफोर एग्जामिनेशन आप क्वेश्चन देखते हो, तो उसके लिए कुछ आप पूरी बुक का क्वेश्चन तो नहीं देख सकते, संभव नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज है, क्वेश्चन भी देखना है रिवाइज करने के बाद। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एक तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे, दूसरा उस क्वेश्चन को देखने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी पूरी कॉन्सेप्ट कवर्ड हो जाए, कि थोड़ा बहुत अलग अलग वेराइटी का जो भी क्वेश्चन है वो कवर्ड हो जाए, एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आता है वो आप इजिली अटेंड कर पाओ, ठीक है। दिस इज नॉट द एक्सक्लूसिव लिस्ट, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय है तो इतना ही करना है, आप इससे ज्यादा करो, बट ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो पक्का ही करके जाओ, पक्का ही देख के जाओ, ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। चलो अभी फिलहाल आपको रिवीजन करते टाइम सब चीज पढ़ना है, ठीक, उन क्वेश्चन को तो ध्यान देना ही है, प्लस अदर वेराइटीज भी सारे चीज कवर करके जाना है कि अभी टाइम है, और वन डे बिफोर एग्जामिनेशन जाना है, स्पेशली आपके पास उतना टाइम नहीं होगा तो आप ये कर सकते हैं कि रिवीजन करने के बाद कुछ जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें ये क्वेश्चन को जरूर इंक्लूड करें, ठीक है। आ जाओ जीडीपी डिफ्लेटर पे। देखो जीडीपी डिफ्लेटर एक इन्फ्लेशन इंडेक्स है, यानी कि सर ये इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स का मतलब इन्फ्लेशन मेजर करता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, अभी डिटेल में देखेंगे फॉर्मूला बना कैसे है। फिलहाल देखो फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक। जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू अगर 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो वो इंक्रीज इन प्राइस शो करता है फ्रॉम बेस ईयर। मान लो 130 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज 30% इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम बेस ईयर, यानी कि इन्फ्लेशन को शो करता है। अगर 100 से कम आता है इसका वैल्यू, जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू 100 से कम आता है तो डिक्रीज इन प्राइस शो करता है। मान लो 20% प्राइस घट गया तो ये क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन प्राइस, इसको डिफ्लेशन भी बोलते हैं, इन्फ्लेशन का उल्टा है कि नहीं। तो जीडीपी डिफ्लेटर का अगर 100 से ज्यादा वैल्यू है तो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम बेस ईयर, और 100 से कम हो तो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफ्लेशन, कि प्राइस घटा है। ये बना कैसे और होता क्या है, थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे स्पेस है, अच्छा आ जाओ यहाँ आ जाओ। मान लो 2020 का मैं जीडीपी निकालता हूं, ओके। जीडीपी कैसे निकलता है, टोटल क्वांटिटी हम लेते हैं, प्रोड्यूस कितना क्वांटिटी हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी में, और प्राइस से इंटू कर देंगे तो मार्केट प्राइस पे जीडीपी आ जाएगा, अगर मार्केट प्राइस पे इंटू करेंगे तो, है कि नहीं। यहाँ पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ी थी कि सर रियल जीडीपी निकालते टाइम ना क्वांटिटी को पता है कॉन्स्टेंट प्राइस से इंटू करते हैं, कॉन्स्टेंट प्राइस मतलब एक बेस ईयर का प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी निकालते टाइम क्वांटिटी तो वही लेंगे जो प्रोड्यूस हुआ है, करेंट ईयर के प्राइस से इंटू करेंगे। यानी कि मान लो 2020 में 3000 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ था, अलग अलग सेक्टर वगैरह इग्नोर करो, सिंपल क्वांटिटी एंड प्राइस का रिलेशन देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर का।
और कांस्टेंट प्राइस हम ले रहे हैं, बेस ईयर का प्राइस हमारे लिए मान लो बेस ईयर 2018 है, ठीक है, या 2019 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2019 है, और बेस ईयर का प्राइस लेते हैं कि बेस ईयर में एवरेज प्राइस लेवल था 15, तो कितना आ गया 45,000 रियल जीडीपी। और वही नॉमिनल जीडीपी लोगे तो क्वांटिटी तो प्रोड्यूस वही है 2020 में 3000 है कि नहीं, और करेंट ईयर का प्राइस पता है 2020 का प्राइस लेना है, मान लो कि 2020 का प्राइस 15 से इंक्रीज हो गया 20 हो गया है, कितना आया 16, ठीक है कि नहीं। अब बताओ, छोड़ो जीडीपी डिफ्लेटर, कॉमन सेंस लगा के बताना, मैं अगर बोलूंगा कि 2019 से 2020 में कितना प्राइस में इंक्रीज हुआ है, कितना इन्फ्लेशन आया है, बताओ जरा, तो तुम क्या बोलोगे, सर 19 में प्राइस था ये, 20 में बढ़ के हो गया 20, है कि नहीं, 19 में कितना प्राइस था 15, 20 में हो गया 25, बढ़ा है, तो पता है इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा, 5 / 15 × 100, ठीक है, ये कितना आया, तो ये आया सर 33.33%, है कि नहीं, कैलकुलेटर एक बार देखना, एक सेकेंड, 5 / 15 है, तो 2019 से 2020 में 33% प्राइस इंक्रीज हुआ है, इसी को तो इन्फ्लेशन बोलते हैं। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर के अनुसार निकालते तो जीडीपी सर डिफ्लेटर बताइए, तो नॉमिनल जीडीपी पहले लिखो, फॉर्मूला लिखो, याद भी तो होना चाहिए फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, नॉमिनल जीडीपी है 60,000, रियल जीडीपी है 45,000 इनटू 100, बताओ 133.33 आया, करेक्ट। मैंने क्या बताया था आपको कि जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 से ज्यादा है तो वो क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन प्राइस, यानी कि 100 से ज्यादा कितना है 33 यानी कि ये जो 33.33 इंक्रीज है वो क्या है, इंक्रीज इन प्राइस, यही तो नॉर्मल इन्फ्लेशन भी निकाल रहे थे तो यही आ रहा था, है कि नहीं। तो बेस ईयर से कितना प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको नॉर्मली आप इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं या जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आओ जरा इसी को प्राइस इंडेक्स के नाम से भी दे सकता है एग्जाम में, प्राइस इंडेक्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्राइस इंडेक्स का भी क्या काम है, वही कि कितना प्राइस में इंक्रीज हुआ शो करना, जीडीपी डिफ्लेटर भी यही शो करता है इंक्रीज या डिक्रीज प्राइस, है कि नहीं। क्योंकि देखो जिस साल की आप जीडीपी निकाल रहे हो रियल एंड नॉमिनल, उसमें क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, सिर्फ प्राइस में चेंज है कि नहीं। तो इसीलिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस लेवल। चलो आ जाओ जरा, ये देखो, ये मान लो जिस साल में हमारा बेस ईयर होता है पता है उस साल में नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस, बेस ईयर में तो प्राइस भी कांस्टेंट होगा और नॉमिनल जीडीपी के लिए भी देश का प्राइस वही होगा करंट ईयर प्राइस, तो इसके उस साल में नॉमिनल एंड रियल जीडीपी सेम होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है 100, ठीक। 2015 में ये बेस ईयर है, 15 में निकालोगे तो नॉमिनल जीडीपी ये रियल, ये नॉमिनल डिवाइड बाय रियल इनटू 100 123। अब देखो जो मैं अभी आपको समझा रहा था थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं, पता है नॉमिनल जीडीपी बढ़ा है 300, ये दो चीजों की वजह से बढ़ा होगा, बताओ क्या क्या, एक तो सर क्वांटिटी भी चेंज हुआ होगा, 2015 में हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा या कम प्रोड्यूस हुआ हो, और दूसरा प्राइस की चेंज की वजह से। पर रियल जीडीपी बढ़ा है 150, ये पता है सिर्फ एक ही चीज की वजह से बढ़ा है, बताओ जल्दी, रियल जीडीपी सर तभी चेंज होता है जब क्वांटिटी में चेंज होता है, क्योंकि प्राइस तो सेम लेते हैं हम रियल जीडीपी निकालने के लिए, 2014 का ही प्राइस लिया होगा 15 में भी, है कि नहीं। अब बताओ
तीन से जो इंक्रीज हुआ है नॉमिनल जीडीपी में, उसमें पता है 150 क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज हुआ है, एंड बचा हुआ बैलेंस जो 150 है वो प्राइस की वजह से इंक्रीज हुआ है। और यही जो 150 है ना प्राइस की वजह से, यही तो इन्फ्लेशन शो करता है, इसी का तो इफेक्ट को जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। जरा देखो जीडीपी डिफ्लेटर 123 आया है ना, 150 प्राइस में इंक्रीज हुआ, उस साल का रियल जीडीपी था 650 इंटू जरा 100 करना, डिवाइड बाय 650 इंटू 100, 23.08 इन्फ्लेशन आया। इन्फ्लेशन अगर इतना है तो पता है जीडीपी डिफ्लेटर कितना आना चाहिए, 100 से ऊपर 123.08, क्या इतना ही जीडीपी डिफ्लेटर आया है? हाँ जी सर इतना ही आया है। यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या शो करता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस फ्रॉम बेस ईयर। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट की बात थी, और क्वेश्चन के लिए तो बड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, बताओ जरा याद करो एक बार और सर, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये नहीं कि यही लिख रहा है एग्जाम में, इनटू 100। मैंने क्या बोला, जीडीपी डिफ्लेटर जैसे कैसे इंक्रीज इन एंड डिक्रीज इन प्राइस शो करता है, एक और इंडेक्स है जिसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ये भी सेम चीज शो करता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। चलो ठीक है, जरा क्वेश्चन पे आओ। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी ऑफ पर्टिकुलर ईयर दिस मच एंड दिस मच, इसी साल का नॉमिनल जीडीपी ये है, नॉमिनल जीडीपी ये है 3000 एंड रियल जीडीपी है 4700, कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर। सर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, बताओ जरा फटाफट। यानी कि पता है जीडीपी डिफ्लेटर 100 से नीचे होने का मतलब डिक्रीज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में कम हुआ था तभी तो, देखो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में क्वांटिटी तो सेम होता है, पर नॉमिनल जीडीपी करेंट ईयर प्राइस पे है, तो करेंट ईयर में प्राइस डिक्रीज हुआ होगा तभी तो नॉमिनल जीडीपी कम आया है। नॉमिनल जीडीपी रियल से ज्यादा होने का मतलब है प्राइस में इंक्रीज है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से कम होने का मतलब है प्राइस में डिक्रीज है, डिफ्लेशन है। ठीक, कितना डिक्रीज है बताओ, 100 में से घटा दोगे, इसको 100 में से घटाओगे, 100 में से 63.83 कितना बचेगा, 36.17% सर प्राइस में डिक्रीज आया है एज कंपेयर टू बेस ईयर। चल यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे निकालने के बाद कि जीडीपी डिफ्लेटर सिंस 100 से कम है, इट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन प्राइस। दूसरा देखो रियल जीडीपी ये है, प्राइस इंडेक्स ये है, नॉमिनल बताइए, पता है प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर सेम है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी, आप फुल लिखना, मैं शॉर्टकट में बस लिख रहा हूँ, एन का मतलब नॉमिनल है, एन जीडीपी का मतलब, आर जीडीपी का मतलब रियल जीडीपी इनटू 100, एग्जामिनेशन में पूरा लिखना है। ठीक है चलो, नॉमिनल जीडीपी 120, एन जीडीपी नॉमिनल सॉरी प्राइस इंडेक्स 120, ठीक है रियल जीडीपी दिया है 450 इंटू 100, जरा बताओ नॉमिनल जीडीपी का 120 इंटू 450 डिवाइड बाय 100 आ गया 540। अगला देखो, सपोज नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन 2010 इज दिस मच एंड प्राइस इंडेक्स इन दिस मच, 2010 का दिया है नॉमिनल एंड प्राइस इंडेक्स, ठीक सिंस वो बेस ईयर था ना 2010, इसीलिए 100 है, 100 पता है 100 इंडेक्स होना है, 100 जीडीपी डिफ्लेटर होना, कौन से साल में 100 होता है, बेस ईयर वाले में, ये भी बेस ईयर में करंट ईयर वही है और बेस ईयर भी वही है, तो प्राइस सेम है इसीलिए जीडीपी सेम है नॉमिनल एंड रियल। नाउ लेट द नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज टू दिस मच, कह रहा है अब नॉमिनल जीडीपी पता है 12 से हो चुका है और प्राइस इंडेक्स हो चुका है, प्राइस इंडेक्स 110, बताइए रियल जीडीपी आर जीडीपी बताइए। सर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 और प्राइस इंडेक्स 110 है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 और
रियल जीडीपी इज इक्वल टू ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट था, इतना छोटा कंसेप्ट है, पता नहीं आप लोग डर जाते हो क्या अमेंडमेंट आ गया क्या चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले भी हुआ करता था, जब भी नॉमिनल रियल जीडीपी की बात आती थी, इंस्टीट्यूट ने इस कंटेंट को पहले इंक्लूड नहीं किया था, बाद में इंक्लूड कर दिया ठीक है। आप लोग बस छोटा सा चीज है, दो तीन इलस्ट्रेशन है, देख लेना, बाई चांस आया तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और कुछ नहीं। और हाँ, अब आते हैं अपना आगे का प्लानिंग पे। देखो एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ मस्ट टू लिस्ट, जो मैंने अभी हाल फिलहाल बोला ठीक। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये नहीं कि आपके पास टाइम है, आपने ऐसा प्लान कर रखा है तब भी आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि सिर्फ सर हर एक चैप्टर का जो 4-5 आप बता दोगे वही करके चले जाएंगे, नहीं। आपको कोशिश करना है जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाए वो, ये तो वो है कि ये करना ही करना है ठीक है। तो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं हर एक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देखेंगे भी हर एक चैप्टर का कौन कौन सा क्वेश्चन है, जो जो बताऊंगा मैं क्वेश्चन टिक लगवा दूंगा ठीक। और उस चीज को आपको करना है, रिवीजन करते रहो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और एग्जामिनेशन को लेकर डरो भी मत ठीक है। चलो